नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है पुनर्वास या फिर रिहैबिलिटेशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। रिहैबिलिटेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अशक्त हुए लोगों को पुनः क्रियाशील और लगभग सामान्य स्थिति में लाने का उपाय करते हैं। शारीरिक अशक्तियाँ प्राप्त दो तरह से होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है अस्थाई या फिर टेम्परेरी अशक्ता, या दूसरा है स्थाई और या फिर परमानेंट अशक्ता। सबसे पहले बात करते हैं अस्थाई अशक्ता के बारे में, जिसे टेम्परेरी भी कहते हैं। इस प्रकार की अशक्ता विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन रोगों के परिणाम के स्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें हाथ और पैर या फिर आवाज़ आशंकित रूप से क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार कि सभी चिकित्सा स्थितियों में फिजियोथेरेपी तथा स्पीच थेरेपी के माध्यम से रोगी को उसके सामान्य जीवन में हम वापस लेके जा सकते हैं। दूसरा है स्थायी या फिर परमानेंट अशक्ता। इस प्रकार की अशक्ता दुर्घटना या फिर किसी फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन के कारण होती है। इसमें से अनेक अशक्ताएँ स्थायी प्रकृति की होती हैं, जहां सामान्य क्रियाशीलता को प्राप्त करने के लिए नकली अंगों का प्रयोग किया जाता है। और कई मामलों में अशक्ता को उपयुक्त फिजियोथेरेपी या फिर व्यायाम के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इससे अंगों की 60% तक क्रियाशीलता प्राप्त की जा सकती है। रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रैक्चर या फिर अस्थियों का विस्थापन, वृद्धावस्था में फीमर का फ्रैक्चर होना, गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर सिर की चोट के पश्चात अशक्ता का होना। तो दोस्तों, इसके साथ ही रिहैबिलिटेशन का ये जो विषय है समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।